रोजाना आप अपने कितने फ्रेंड्स से बात करते हो, उनकी इमोशनल स्टोरी सुनते हो, कभी ये हो गया तो कभी वो हो गया, और इस तरह सुनते सुनते आपके घंटों बीत जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। कभी आप उनके डिप्रेशन की बातें सुनते हो, कभी आप अपनी उन्हें बातें सुनाते हो, और इस तरह से आपका टाइम गुजर जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अब इस काम को करने के भी आपको पैसे मिलेंगे, आप दूसरों की बातों को सुनोगे, उनकी डिप्रेशन को सुन के उन्हें थोड़ा काम करोगे, उन्हें थोड़ा रिलैक्स बातें बताओगे, तो इससे भी आप अर्निंग कर सकते हो, तो क्या आप मेरी बात पे यकीन करोगे? अगर यकीन करोगे तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने लगी हूँ जिसके अंदर आपने क्या करना है, जस्ट लोगों की बातें सुननी। मैं चली जाती हूँ फाइबर के ऊपर और ये देखें, फाइबर की साइट ओपन कर दी। यहाँ सर्च के अंदर मैं लिख देती हूँ लिसनर। लिसनर लिख के जब मैं सर्च कर दूंगी तो ये मुझे इससे रिलेटेड सारी जॉब्स बता देंगे कि कौन कौन ये काम कर रहे हैं। अब लिसनर जब मैंने लिख के सर्च कर दिया तो ये देखें, यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट गिग्स आ गई हैं। और ये क्या करते हैं जी, ये क्या करते हैं, बी यूर लाइफ कोच एंड लिसन टू यू विद एम्पथी। ये आपको सुनते हैं और बड़े अच्छे तरीके से आपकी बातें सुनते हैं। बी यूर लाइफ कोच, इमोशनल सपोर्ट एंड लिसनर, इनका काम क्या है, जस्ट आपकी बातें सुनना। इनके पास बड़ा फारक टाइम है, लेकिन इस काम के भी ये पैसे लेते हैं। तो ये काम आप भी कर सकते हैं, आप भी इस तरह से फाइबर के ऊपर अपनी गिग क्रिएट कर सकते हैं। और यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट वीडियोस है कि आप किस तरह फाइबर के ऊपर अपनी गिग क्रिएट करोगे, तो उस काम में अभी मैं नहीं पढ़ती। मैं इनकी गिग के ऊपर क्लिक कर देती हूँ तो ये देखें इनकी गिग के अंदर क्या लिखा हुआ है। 17,000 ये चार्ज करते हैं जस्ट 60 मिनट्स का, किसी की डिप्रेशन को, किसी की एंजाइटी को, किसी के स्ट्रेस लेवल को ये जो 60 मिनट के अंदर सुनते हैं, तो उसका ये 17,000 रुपए लेते हैं। इसके अलावा 63,000 है जी, ये स्टैंडर्ड है कि ये इसके अंदर इनकी मजीद कुछ एडिशनल कुछ चार्जेस आ जाते हैं। और ये 88,000 चार्ज करते हैं, बल्कि 89,000 चार्ज करते हैं बिल्कुल प्रीमियम लेवल का, कि हाँ जरा ज्यादा टाइम की बातें होंगी, कुछ ज्यादा अच्छे मशवरे ये दे देंगी उन्हें। अब नीचे देखें जरा आप रिव्यूज, तो नीचे डिफरेंट इनके क्लाइंट के रिव्यूज हैं कि इन्होंने हमारी बातें बहुत अच्छे से सुनी, शी इज सुपर केयरिंग एंड हैज गुड एडवाइस। अब क्या करना है, इनकी बातें पहले सुननी है और इनकी ये जो बातें करेंगे आपने उन्हें भी उनके साथ रिपीट करना है। अच्छा ये काम है, इस तरह से हुआ उनकी, मतलब ताकि उन्हें लगे कि हाँ आप उनकी बातों के अंदर इंटरेस्टेड हो और उन्हें ही सुन रहे हो। ऐसा नहीं है आपने कानों में उनकी वॉइस लगाई हुई है, वीडियो कॉल पे हो उनके साथ और साथ में आपकी अलहदा से कहीं और चैटिंग चल रही है, ऐसा काम नहीं करना। अब ये देखें डिफरेंट क्लाइंट के रिव्यूज है, मैंने क्लिक कर दिया तो ये देखें, एनी इज अमेजिंग ऑलवेज, ग्रेट एक्सपीरियंस लाइक ऑलवेज विद एनी, और ये बहुत ही अच्छी है, ये बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज देती है, हाईली रिकमेंड है कि जिसको भी डिप्रेशन हो तो इन्हें आके अपनी टेंशन और परेशानी सुनाएं, ये उसे हल कर देंगी। अब देखिए इन्होंने अपनी गिग के अंदर लिखा हुआ क्या है, आप पहले ये देख लें, इन्होंने लिखा हुआ है कि ये क्या करती है। देयर आर मोमेंट इन अवर लाइफ व्हेन वी फील अलोन, डिप्रेस्ड एंड अनविलिंग टू कीप गोइंग, वी स्ट्रगल विद डिफरेंट सिचुएशन दैट कांट ऑलवेज बी सॉल्व ऑन अवर ओन, हमारे खुद से नहीं होती है तो हमें फिर किसी से बात करनी चाहिए। ये सारी बात उन्होंने लिखी हुई है, हमें बात करनी चाहिए किसी से, उनसे शेयर करना चाहिए। तो मैं हूँ आपके लिए, आप मुझे अपनी सारी बातें सुनाओ। अब आपने फाइबर के ऊपर अपनी इस तरह से गिग क्रिएट कर देनी है, और जो इन्होंने अपनी गिग के अंदर लिखा हुआ है, देखें जो इन्हें ज्यादा ऑर्डर्स मिले हैं तो इनकी गिग ज्यादा अच्छी है, ज्यादा प्रोफेशनल थी। आपने इनकी बातों को थोड़ा कॉपी कर देना है, वर्ड ट्यून या चैट जीपीटी के ऊपर जाके इनकी वर्डिंग को रिफ्रेश कर देना है, कॉपी वाला काम ना लगे। और आपने अपनी गिग के अंदर इस तरह से अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड कर देनी है, ये बहुत हेल्पफुल है। अब आप अगर स्किल नहीं सीख रहे हो तो ये भी एक तरह की स्किल ही है, दूसरों को सुनना। अब हर किसी का इतना तो मेंटल लेवल नहीं है कि वो दूसरों की बातें सुने, तो आपके अंदर इतना स्टेमिना है, आप दूसरों की बातें सुन सकते हो, तो इस काम के लिए जल्दी से अप्लाई कर दो। अगर फाइबर के ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे तो क्या कर दो, चले जाओ गूगल के ऊपर और लिख दो चैट जीपीटी, ये लिख के सर्च कर दो। तो यहाँ पे आप लिख दो लिस्ट ऑफ फ्री वेबसाइट टू वर्क एज अ लिसनर, कि हम कौन कौन सी साइट के ऊपर वर्क कर सकते हैं लिसनर के तौर पे, एक्सेप्ट फाइबर। तो ये देखिए इन्होंने सारी हमें बता दी, 7 कप है, ब्लॉक थेरेपी है, 18%, आई एम अलाइव, स्पॉटिव, इमोशनल बैगेज चेक, ये सारी इन्होंने हमें साइट बता दी है। और आगे इनका पर्पस भी बता दिया है कि आप इन साइट के ऊपर जाके लॉग इन करोगे, ईमेल वहां पे लॉग इन करोगे ईमेल से, और आप इनकी साइट के ऊपर जाके एज अ लिसनर वर्क कर सकते हो। अगर आप फाइबर की साइट के ऊपर नहीं कर रहे काम, अपवर्क के ऊपर भी है, पीपल पर आवर के ऊपर भी है, इस तरह की सर्विसेज आप नहीं कर रहे, तो इनमें से किसी एक साइट के ऊपर भी आप चले जाओ, वहां पे एनरोलमेंट करो, लॉग इन करो, और वहां पे अपनी आप पूरी डिस्क्रिप्शन वहां पे लगा दो। फाइबर सबसे बेस्ट है इस काम के लिए। अब देखें जैसे मैंने एक साइट लिखती आई एम अलाइव, ये लिख के मैं सर्च कर देती हूँ तो ये देखें इस तरह से इसका डिस्प्ले ओपन हो रहा है। ये सारी इनकी साइट है, ये क्या करते हैं, फन, इंटरेक्टिव एंड एजुकेशनल 4 आवर इवेंट होता है यहाँ पे, दैट ब्रिंग अवेयरनेस, प्रिवेंशन से रिलेटेड बताते हैं। इनकी सारी साइट के ऊपर इस तरह की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, काफी लोग आते हैं इस तरह से काम कराते हैं। तो आज जो आप अपना टाइम
वेस्ट कर रहे थे, वैसे ही टाइम वेस्ट कर रहे थे और अपने दोस्तों की ही बातों पे लगे हुए थे। आज ये हो गया स्कूल में तो आज ये कर दिया हमने। तो अब आप इस तरह, क्लाइंट अगर इतना टाइम है ना दोस्तों की बातें सुनने के लिए, तो वही टाइम आप अपने क्लाइंट के काम के ऊपर लगा दो, उनकी बातें सुन लो। आप जितना दूसरों की बातें सुनोगे, दूसरों की डिप्रेशन सुनोगे, तो उतनी आपकी जो अपनी टेंशन होती है, आपको सक्सेस नहीं मिल रही लाइफ के अंदर, आप डीमोटिवेटेड हो, कुछ काम करने को दिल नहीं कर रहा, गिव अप कर दिया है। तो जब आप क्लाइंट्स की बातें सुनोगे, डिप्रेशन उनकी सुनोगे, तो आप कहोगे यार ये तो मेरे से भी हाई लेवल की डिप्रेशन है इनकी, इनकी लाइफ के अंदर तो और हाई लेवल की डिप्रेशन चल रही है, ये ज्यादा परेशान है, तो मुझे भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मुझे भी अपना हार्ड वर्क करना चाहिए। क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती है, मोस्टली जो ये फॉरेन कंट्रीज के लोग होते हैं वहां पे हर कोई जॉब कर रहा होता है, तो किसी के पास टाइम नहीं होता दूसरे को सुनने के लिए। हर एक की इंडिविजुअल लाइफ है, वो जैसे कहते हैं ना नफ्सा नफ्सी है, बस हर कोई अपने ही कामों में लगा हुआ है। तो हमारे कंट्रीज के अंदर तो ये होता है, हमें कोई टेंशन हो भी तो हम अपनी फैमिली में ही किसी को सुना देते हैं, उनके पास बहुत टाइम होता है उनके पास, लेकिन फॉरेन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए मोस्टली फॉरेन कंट्रीज के लोग इनसाइट के ऊपर आते हैं और यहाँ पे लॉग इन करते हैं और कहते हैं कि हमें ऐसा बंदा चाहिए जो हमारी बातों को सुने। तो इस तरह जब आप भी इनकी बातें सुनोगे तो आपको भी थोड़ा सुकून ही मिलेगा, तो आप कहोगे हाँ ऑलरेडी लोगों की लाइफ में इतनी टेंशन है, अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी लाइफ के अंदर इतने मसले नहीं है जितने इन लोगों के लाइफ में मसले चल रहे हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल साइट है, इसके ऊपर जरूर जाना है, जरूर वर्क करना है, बिल्कुल फ्री है, कुछ भी नहीं करना आपने, जस्ट सुननी है लोगों की बातें। तो आप बिकम अ लिसनर बन के पैसे कमा सकते हो, और ये ऐसे वैसे पैसे नहीं है, 5-6 हजार नहीं है, ये जस्ट मैंने लिखा हुआ है इतना। आप इससे भी डबल पैसे कमा सकते हो अगर आपकी लिसनिंग पावर अच्छी है। तो ऐसा नहीं है कि क्लाइंट बात कर रहा है, वो अपनी डिप्रेशन आपको सुना रहा है और आपने बीच में अपनी कोई कहानी सुना दी, ऐसा नहीं। आपने दूसरों की बातें सुननी है, सुनने के बाद आपने उन्हें कोई मोटिवेशनल सी बातें सुनानी है। अब अगर मोटिवेशनल बातें आपको नहीं पता तो आपने पहले सर्च करके अपने पास लिख देनी है कि हाँ क्लाइंट इस कंडीशन के अंदर है तो मैंने उससे किस तरह की बात करनी है। अब आपको क्या पता चलेगा क्लाइंट किस कंडीशन के अंदर है, तो गिग के अंदर सब कुछ मौजूद होगा। ये सब था इस वीडियो के अंदर कि हमने किस तरह अपने क्लाइंट से बात करनी है, उन्हें हमने थोड़ा डिप्रेशन के अंदर है अगर वो तो उन्हें हमने थोड़ा मोटिवेट करना है, उन्हें हमने कहना है कि हाँ बस ऐसी कंडीशन आती रहती है, टेंशन ना लो, सबके साथ होता है ये कुछ। तो ये था इस वीडियो के अंदर कि हमने किस तरह क्लाइंट से कंटेक्ट करना है, क्लाइंट फाइंड करने हैं और हमने लिसनिंग पावर अपनी वहां पे दिखानी है। ऐसा नहीं है हमने खुद बोलना शुरू कर देना है, क्लाइंट की बातें रही साइड पे और हमने अपने वहां पे दुख सुनाने शुरू कर देने हैं, तो ऐसा काम नहीं करना। तो ये सब था इस वीडियो के अंदर कि हमने किस तरह बातें करनी है लोगों से, लोगों की बातें सुननी है, थोड़ा थोड़ा टाइम की ही बातें होंगी हमने सुननी है और उसके बाद हमसे इतने ज्यादा हम यहाँ पे चार्ज करते हैं लोगों को। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।